वेलकम गाइस। तो आज हम लोग लाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका साइन कन्वेंशन। ठीक है, लाइट की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इसको जानना बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। तो देखिए, पहला आपका जो कन्वेंशन है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा, अगर ये मिरर है आपका, तो हमेशा इस साइड पे रखा जाएगा। ठीक है, इस साइड मिरर का। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब अगर मैं मानता हूं कि ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है, तो फिर रे ऑफ लाइट लेफ्ट साइड से आ रहा है मिरर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब सुनो क्या होता है एक्चुअली। पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये वाला होता है पोल, पी मिरर को दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब देखिए, ऐसा माना गया है साइन कन्वेंशन के कारण कि पोल इज एट द ओरिजिन एट 0 0। तो फिर दिस इज द वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वाला पार्ट आपका हुआ नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये वाला पार्ट आपका हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसी को मान के हम लोग चले सेकेंड वाला पार्ट। अब आइए, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो आप पी से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, एक्चुअली अगर आप कहते हो पी, सपोज मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ ए, ओके पी ए, ये जो है इज नॉट इक्वल्स टू ए पी। ठीक है, पी ए मतलब डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पी टू ए, बट ए पी इज लाइक डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ए टू पी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों का साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा डिस्टेंस को मेजर करेंगे पी से, पोल से। अब थर्ड पार्ट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। अब इसको जरा देखो, कोई भी डिस्टेंस अगर आप इस डायरेक्शन में लो, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब उसको आप पॉजिटिव लोगे। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पे इमेज तैयार हो रहा है, यहाँ पे एट पोजीशन बी, लेट अस सपोज पोजीशन बी, तो आप पी से मेजर करोगे इस डायरेक्ट पोजीशन को। तो पी बी, देखो आप किस तरह मूव कर रहे हो, राइट की ओर मूव कर रहे हो, तो आपका डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। तो अगर आप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते समय राइट साइड पे मूव कर रहे हो, तो आपका डायरेक्शन, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और या फिर अगर आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो आप ऐसे लेफ्ट साइड पे मूव किए इस डायरेक्शन पे, तो ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, अब एक बात समझो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे रखा जाता है। इसका मतलब आपको हमेशा पोल से लेफ्ट साइड की ओर ही मूव करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, राइट। इसलिए u, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा आपका नेगेटिव क्वांटिटी होता है। दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ओके याद रखना, u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब देखो, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, दिस इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और देखो, डिस्टेंस इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट देखो इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके, और ये वाला पार्ट इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इसको आपको याद रखना है, बिकॉज हर प्रॉब्लम्स पे आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, तो पूरा सिचुएशन आपका चेंज हो जाएगा, ओके। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन, आपको सिचुएशन समझ के उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चल नेक्स्ट पार्ट को हम लोग मूव करते हैं अब। ठीक
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल पार्ट, मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला। चलिए देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन मिरर फार्मूला को अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज पहले समझना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, राइट? इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल। इसी के सेंटर को मतलब मान लो दिस इज द मिरर। ओके, तो आपका ए वाला पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाला पोल, तो ये वाला कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कहते हैं हम लोग फोकस। सी से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से सेंटर से पी तक, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, ये चीज, ये वाला रिलेशन हमेशा आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सी एंड पी। एफ इज इक्वल टू आपका होता है आर बाई टू। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इज ए इम्पॉर्टेंट फार्मूला। बहुत जगह आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, वहां से आपको फोकल लेंथ निकाल के लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है टू टाइम्स द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ। ओके, अब मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आसान है। देखो, अगर मान लीजिए आपका ये वाला मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस ये, मान लीजिए मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हूं, तो किसी कारण बस मान लीजिए आपका यहां पे इमेज तैयार हो रहा है। ठीक है, और मान लीजिए इस इज द फोकस, तो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस आपको तो पता होता है एफ होता है ये वाला, राइट? ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस इसको हम लोग यू कहते हैं, यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज जहां से तैयार हो रहा है वहां से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, और एफ होता है फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला आपको दिया जाता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब कैसे ये फॉर्मूला आता है अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा 11 12 का बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, वहां पे प्रूफ रहता है इसका। वैसे तो आप लोग ये इस क्लास 10 में सिमिलर ट्राइंगल्स के कंसेप्ट सीखते हो, तो उसको अप्लाई करके आप अपने आप नॉलेज गेन करने के लिए प्रूफ कर सकते हो। ओके, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, प्रूफ के अंदर इसको भी प्रूफ करा जा सकता है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू को भी प्रूफ करा जा सकता है सेम सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट से। ओके, तो ये वाला फार्मूला होता है। अब देखो इस चीज में ना आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब मान लीजिए आपको यू 5 मीटर्स दिया है पोल से, तो यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1/5। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको सिचुएशन एनालाइज करके यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन बैठाना पड़ेगा। कभी कभार करता क्या है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है, मैंने जो कहा, तो यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल के यहाँ बैठा सकते हैं, फिर इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन वाइज आपको मतलब क्वेश्चन दिए जाते हैं। कभी कभार आपको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, तो आपको वहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करके आंसर बताना पड़ता है, तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपका आता है मैग्निफिकेशन। ओके, देखिए क्या कहता है एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं यहीं पे करके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये आपका मिरर है, जैसा मैंने पहले भी दिखाया आपको, तो ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए ये आपका इमेज तैयार हुआ है। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट का हाइट मान लीजिए एच नॉट है, एच ओ, इसको हम लोग एच नॉट कहते हैं फिजिक्स में, और ए वाला मान लीजिए एच आई है। तो डेफिनेशन के अनुसार अगर इमेज का हाइट आपका एच डैश, ये लोग एच डैश किए हैं तो मैं एच आई कराऊं, और ऑब्जेक्ट का हाइट अगर एच नॉट है तो फिर मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स एच आई बाई एच नॉट। मतलब सीधा बात है, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, यहीं से थोड़ा सा मैं यहां से प्रूफ कर सकता हूं कि यही होता है फिर इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। फिर से कहता हूं अप्लाई साइन कन्वेंशन, आपको यहीं से साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर वर्चुअल इमेज तैयार होता है, वर्चुअल इमेज, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा इमेज का, और अगर रियल इमेज तैयार होता है तो हमेशा नेगेटिव। ठीक है, कंकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब तैयार होता है, जब पोल और फोकस के बीच रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, राइट, बहुत सामने, वेरी क्लोज टू द मिरर रखा जाता है, तब आप देखिएगा कि रे को प्रोड्यूस करके पीछे मीट कराया जाता है, तब क्या होता है, तब वर्चुअल इमेज तैयार होता है आपका, और वो भी होता है क्या, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए उसको पॉजिटिव, और वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब लोग कन्वेक्स मिरर में भी देखिएगा कि इमेज का जो रे का इंटरसेक्शन होता है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो आप अगर नहीं मतलब पॉजिटिव नहीं हुआ ना कहीं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं देखूंगा कहाँ पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, और फिर मैं फिर से यहाँ पे देखिए ट्रिपल स्टार करके रखा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट गया आपका मैग्निफिकेशन, और देखो आपका सिर्फ इतना ही है, और बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना पड़ता भी रिफ्लेक्शन में। तो इसके साथ साथ हम लोग का रिफ्लेक्शन आज यही खत्म होता है, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन किस तरह टैकल करना है बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है मैंने देखा है इस चैप्टर में लोगों को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। देखो क्या कहता है आपको, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सीबीएसई, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ आज। पहले एनी काइंड ऑफ फिजिक्स प्रॉब्लम यू वॉन्ट टू सॉल्व, एक काम करो, जो डेटा आपको प्रोवाइडेड है ना उसको लिख लो, इस तरह एक साइड पर लिख लो उसको। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, मैं अभी नहीं अप्लाई कर रहा साइन कन्वेंशन, पहले लिख लो सिर्फ। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब भी आपको दिया गया है, इसको एनालाइज करना है आपको 5 मीटर। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताओ। ठीक है, तो यू मैंने क्या कहा, हमेशा नेगेटिव होता है, अब साइन कन्वेंशन में अप्लाई कर रहा हूं तो यू हमेशा नेगेटिव, -5 मीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 3 मीटर दिया है, तो आप इधर से फोकस निकाल सकते हो, निकाल सकते हो r by 2, मतलब 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर। अब फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, ख्याल करो क्या कहा है, कन्वेक्स मिरर, मैंने पहले भी बताया है कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा के लिए पॉजिटिव, तो फिर इसको प्लस। देखो आसान है, अब इसको मिरर फॉर्मूला में बैठा, मिरर फॉर्मूला आपका क्या है, 1 by u, +1 by v = 1 by f, वैल्यूज पुट करो, -1 by 5, राइट, प्लस v को तो ऐसे ही रखना है 1 by v, अभी कुछ नहीं करना है आपको, 1 by f आपको तो पता है, 1 by 1.5, मतलब 3 by 2, उल्ट इसको ऐसे लिख लो फिर, 3 मतलब ये ही होगा आपका 2 by 3, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने से ना थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करो तो इसका आंसर आपका आना चाहिए v = +1.15 मीटर। ठीक है, देखो
तो आपको पोजीशन मिल गया है 1.15 मीटर। अब आपको कहा है नेचर और साइज निकालना है। नेचर आपको कैसे पता चलेगा? इस साइन को देखते हैं, राइट। अब क्या होगा बोलो, देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। कन्वेक्स मिरर, चलो कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव है मतलब इस साइड में तो नहीं होना है, इस साइड में नहीं होना है, आपको बैक ऑफ द मिरर होगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो इस तरफ है, इस तरफ है ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इधर होगा। मतलब आपको लिखना पड़ेगा इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर फ्रॉम द पोल एट द बैक ऑफ द मिरर, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो सीबीएसई इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स। ओके, तो v इक्वल्स टू दिस। अब साइज पूछा है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, आपको पता होता है माइनस बी बाई यू, वी निकल गया है, यू आपको पता है, उसी को आप इक्वेट कर देंगे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, राइट कर देंगे ना। देखो कैसे होगा, ठीक है, माइनस बी बाई यू, तो आप सिर्फ वैल्यू बैठाओ इसको, वी आपका है 1.15, ई वाला आपका है 5.00, ठीक है, जो ऐसे यहाँ पे दिया गया है वो माइनस होगा ना, ये वाला माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका अप्लाइड है, ठीक है, तो माइनस 1.15। तो फिर इसको जो आपको करना है, तो आपको यू तो माइनस 5 दिया है ना, तो यहाँ पे प्लस 5 करना है, तो ये वाला होगा आपको 0.23। ओके, तो मिल गया ना आपको, यही तो आपसे मांगा है ना, बस। तो इस तरह आपको सिचुएशन को एनालाइज करके साइन कन्वेंशन प्रॉपरली अप्लाई करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको इधर एक करके देखा है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, अब एक बात, मैं आपको सिर्फ एक सिचुएशन को सोचने के लिए मतलब बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के पहले मतलब कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दोगे, प्लीज रेस्पॉन्ड करना। सिचुएशन सुनो जरा ध्यान से, एक स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ एफ है, ठीक है, एयर में आप हवा में रखे हो उसको, एयर में उसका फोकल लेंथ एफ है। उसी स्फेरिकल मिरर को, अब उस स्फेरिकल मिरर कनकेव या कन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, वो छोड़ो, फोकल लेंथ एफ है, ये बात है। उसको क्या किया आपने कि उसको पानी में डुबो दिया, अब बताओ नया फोकल लेंथ क्या होगा, कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर चेंज होगा तो कितना होगा, इसको जरा बताओ मुझे। ओके, आप मैक्सिमम स्कूल्स में तो आपको लाइट कंप्लीट हो चुका है, वी आर थोड़ा पीछे चल रहे हम लोग, तो इसको, इस सिचुएशन को सोच के मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ब्रेन टीजर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। सोचिए जो लोग आईआईटी नीट के लिए प्रिपरेशन ले रहे होंगे अभी से, उन लोगों के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है सोचने के लिए। ओके, सो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, बाय। I'm not afraid of the dark.